कुमार, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और इनके पास शेयर हैं पीएनबी के 8,490, क्वांटिटी ठीक ठाक है, भाव है 91 रुपये का। पीएनबी इस वक्त 102 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, हमने 105 रुपये के ऊपर शेयर को जाते हुए देखा था। और कुणाल, पीएनबी को आपको भी अच्छे से याद होगा कि एक समय था कि 35 से 45 के रेंज में काफ़ी लंबा समय बिताया, वहां से निकला तो 60 के आसपास थोड़ा सा सुस्त आया, और 60 के ऊपर जब निकला तो फिर कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि ब्लू स्काई जोन लगातार चला, 100 के पार भी किया। यहां से आपको चार्ट किस तरह के फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए कमल कुमार जी को? ठीक, आपने हिस्टोरिकल डेटा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और ट्रेंड भी बन चुका है, बट एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि अप्रैल 2019 में ये जो काउंटर चल रहा था वो करीब करीब 100 रुपीज पे ही चल रहा था, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो काउंटर वही लेवल पे पहुंचा हुआ है। प्रीवियस हाई फॉर टाइम बीइंग शायद रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, और इनफैक्ट आज के दिन देखिए तो एक या दो दिन से इसमें थोड़ी सी नरमावट भी बनी हुई है। इनफैक्ट काउंटर एज ऑफ नाउ इनकी बाइंग से तो बहुत ही फेवरेबल है, बट थोड़ी सी मुनाफा वसूली इस लेवल पे करना डेफिनेटली लॉजिकल होगा, बिकॉज प्रीवियस हाई यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर ये काउंटर 105 के ऊपर निकलता है तो इसमें 135 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी उस पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 85 का लगा दीजिए और इस रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करिए विद द टारगेट ऑफ 135।